ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में एक नाबालिग लड़की की हथौड़े से पीट पीट करके किस प्रकार मोहम्मद लईक खान नाम के एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, इसके पीछे पूरी की पूरी पड़ताल हम करेंगे। केरल में होने वाले लव जिहाद पर बात करेंगे कि किस प्रकार से मेट्रोमैन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही सबसे पहले उन्होंने जो आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि केरल के अंदर लव जिहाद अपने चरम पर है, उसको ख़त्म करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि केरल में मेट्रोमैन ई श्रीधरन कोई आज से नहीं 82 साल से हैं, लेकिन कभी भी उनकी उपलब्धियों को गिनाने का कार्य कांग्रेस ने नहीं किया, कभी भी उनको सर्वोच्च स्थान देने का कार्य कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन केरल से ही एक और दूसरी खबर कि 40% मुसलमानों ने होते ही वहां पर अब कह दिया है कि हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी ओम का उच्चारण हमें सुनाई नहीं देना चाहिए, इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। मैं पहले दिन से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि दिन में 5 बार आपकी भावनाओं को आहत किया जाता है मस्जिदों से, और कहा जाता है कि नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, चाहे वो शिव हो, दुर्गा हो, पार्वती हो, चाहे ओम हो, चाहे वो निराकार परमेश्वर हो, आप किसी को भी मानते हो, चाहे वो वाहेगुरु हो और चाहे एक ओंकार हो, किसी का भी कोई वजूद नहीं, कोई भी पूज्य नहीं सिवाय अल्लाह के, और वो अल्लाह जो कुरानी अल्लाह है। लेकिन यहाँ पर ये कह करके कि सब बराबर हैं, सबकी जो धार्मिक आचार विचार हैं सब बराबर हैं, ये कह करके हमारे अंधा कानून भी उनको सिक्योरिटी देता है। लेकिन आज केरल ने कह दिया कि हमारी भावनाएं आहत होती हैं तुम्हारे ओमकार के उच्चारण से, हमारी भावनाएं आहत होती हैं तुम्हारी आरतियों से, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ हैं। सच्चाई को समझिए, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, ये इराक, ये बंगाल, ये ऐसे ही नहीं बटे। वहाँ पर हिंदुओं की लगातार जो तादाद है वो ऐसे ही कम नहीं हुई है। हिंदुओं से, काफिरों से सख्त नफरत है। पहले वो अपनी भावनाओं को तुम पर थोपेंगे और सेकंड स्टेप जैसी आबादी बढ़ी तुम्हारी भावनाओं को ख़त्म करने के पूरे पूरे प्रयास किए जाएंगे। केरल की जनता पढ़ लिख कर भी सबसे मूर्ख रही, और उसने सबसे पहले पढ़ लिखने के बाद में यदि किसी चीज़ को दांव पर लगाया तो वो था उसका स्वयं का धर्म, जिसका उन्होंने अपमान ही नहीं किया बल्कि उसको उठा करके तिलांजलि ही दे दी। और आने वाले समय में ना चाहते हुए भी इन सब को कन्वर्ट होना पड़ेगा। इतनी नफरत के एक बेजुबान जानवर ने अगर छोटा सा पपीता ही खा लिया तो पेट चीर कर उसका पपीता बाहर निकाल लिया। मुझे नहीं पता कौन ऐसा ग्राहक होगा जो खून से लथपथ उस पपीते को खाने की हिम्मत दिखाएगा, लेकिन ये केवल और केवल नफरत है हिंदुओं से, किसी जीव से, बेबोलते जानवर से नहीं। अगर हम इस पूरी की पूरी सृष्टि का गहन अध्ययन करें तो इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के लिए ही है। मनुष्य ने तो बल्कि आकर के जबरन उनके स्थानों पर कब्जा किया, फिर भी हम उन्हीं जानवरों को मार देते हैं जो हमें ही जीवनदायी अमृत तुल्य दूध देते हैं। ये नफरत हिंदुओं से है, हिंदुओं की पहचान से है। लईक खान का भी मैं क्या जिक्र करूं। लईक खान 25 साल का, 17 साल की एक बच्ची जिनके साथ में उनका उठना मिलना बैठना, लेकिन कमी कहाँ आती है? कमी यहाँ पर आती है कि जब हिंदू भी उन्हीं की तरह मांसभक्षी हो जाता है। आज की बात आपको बुरी लग सकती है लेकिन ये सच है। जिस बच्ची की हत्या यहाँ पर हुई है उसकी फैमिली में ही उसी के ताऊ का एक लड़का था कौशल, जो कि 19 साल का था। जब लईक खान इस लड़की से मिलने के लिए आया तो लईक खान और वो लड़की दोनों ही दोनों कौशल को कहती हैं कि तुम छत पर चले जाओ। यानी कि दोनों में पहले से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, काफ़ी अच्छा उनमें लेन देन था और उनके अंदर मांस भक्षण बहुत पहले से बदस्तूर चल रहा था। लईक खान को यह संदेह हुआ कि कौशल ऊपर से नीचे भी आ सकता है, इसलिए लईक खान ने सबसे पहले कौशल को 200 रुपए दिए और कहा कि मांस लेकर के आओ। लड़की ने भी इशारा किया कि हां तुम जाओ, और यह कबूलनामा कौशल का है। लड़की ने स्वयं कहा, लड़की और लईक खान दोनों घर पर अकेले बचे हैं। लड़की स्वयं कौशल को वहां से भेज रही है। कौशल वहां से जाता है और 1 घंटे से ऊपर उसको समय लग जाता है।
तब तक वो देखता है कि लईक खान के हाथ में हथौड़ी है और खून से वो लथपथ है, ताला देकर वहाँ से भाग रहा है। लड़की की माँ आती है, ताला तुड़वाया जाता है। लड़की जब अंदर पड़ी थी उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर उसको मृत का घोषित कर दिया गया। लड़की मना कर रही थी कि मैं शादी नहीं करनी है, लेकिन अभी तक भी किसी के मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकली कि भाई ऐसा क्यों। फिर से एक बार से निकिता तोमर की तर्ज पर एक हिंदू ही लड़की क्यों मरी। अभी रचित जाट के बाद में, रिंकू शर्मा के बाद में, निकिता तोमर के बाद में फिर से एक लड़की क्यों मरी। ये लव जिहाद कब रुकेगा? यदि ई श्रीधरन यही बात कह देते हैं कि लव जिहाद को हम रोकेंगे तो हमारे देश का अंधा कानून, हमारे देश की सबसे ज्यादा खून पीने वाली खूनी पंजा पार्टी उनके सिर हो जाती है। सब लोग उन पर टूट पड़ते हैं। उनके 80 साल के अनुभव एक तरफ, उन्होंने जो देश को दिया वो एक तरफ, लेकिन गाली उनको जरूर निकालनी है। आज लोग उनके 80 साल के अनुभव भी भूल गए, आज लोग उनके दी हुई जो सेवाएं हैं वो भी भूल गए, सिर्फ नफरत में उनको गाली देनी है। दोस्तों, यदि आप हिंदू हैं और आप मांसभक्षी हैं और आपके बच्चे इन जिहादी कौम के बच्चों के साथ में, उनके लोगों के साथ में मिलते जुलते उठते बैठते हैं, उनके साथ मिलजुल करके आप मांसाहार करते हैं, तो आपकी बच्चियां सबसे पहले उनके लव जिहाद की शिकार होंगी। यदि आपके घर में भी अल्लाह ईश्वर तेरो नाम का जो फेक भजन है वो चलता है तो आपकी बच्चियां शिकार होंगी। यदि आप भी खूनी पंजे के सपोर्टर हैं तो आपकी बच्चियां शिकार होंगी ही होंगी। खूनी पंजे ने मुजफ्फरनगर में क्या किया? खूनी पंजे ने मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ, जो हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर हाथ डाला गया, जो वहां पर हमारे बच्चों को मारा गया, कांग्रेस ने कभी वहां पर जाकर नहीं देखा। उन्होंने अपना एजेंट राकेश डकैत नाम से दिल्ली के बॉर्डर पर भेजा, वहां पर लोगों के अंदर गलत फहमियां फैलाई और जितने भी कान के बहरे और आरक्षण के अंधे लोग थे उन सबको भड़का करके मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान रैली करी। ये वही किसान रैली है दोस्तों जिसका अभी तक यह कहकर के प्रचार प्रसार हो रहा था कि यह अराजनैतिक है, लेकिन इसमें सबसे पहले एंट्री किसने मारी? प्रियंका गांधी वाड्रा ने। प्रियंका गांधी वाड्रा कौन? जिसके पति ने सबसे ज्यादा किसानों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा वो जो आज तक कभी भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोली थी, जो मुजफ्फरनगर में आकर के हिंदुओं के घर कभी भी उठी बैठी या उनको सांत्वना नहीं दी थी। ये उस सरकार के खिलाफ लड़ाई है जिसने मुजफ्फरनगर में जो हमारे बच्चे जेलों में फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने का कार्य किया और असली गुनहगारों को अंदर डालने का कार्य किया। जो लोग अभी तक कह रहे थे किसान आंदोलन गैर राजनीतिक है, उनको मैं बता दूं कि 2022 की तैयारी बहुत दिनों से चल रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा नेक्स्ट कांग्रेस की सीएम कैंडिडेट हैं और वो इन डकैतों को बीच में लाकर के इस पूरी की पूरी लड़ाई को लड़ने वाली है। और इन फ्यूचर इसमें चंद्रशेखर रावण भी कूद मारेगा, इसमें ओवैसी भी आएगा और इसमें डकैत का खानदान भी आएगा। आप देखना, वेट एंड वॉच 2022 तक क्या क्या नहीं होता है। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि उन्नाव केस में जहां पर दलित लड़कियों की मृत्यु हुई है और उसका इल्जाम सवर्णों पर लगाया गया और बहुत सारे इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए थे, मारने वाला भी दलित समुदाय से ही है और नान पर थूक करके खिलाने वाला मेरठ का मोहम्मद नौशाद भी गिरफ्तार हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, यदि आपको भी लगता है कि लव जिहाद के खिलाफ केरल में ई श्रीधरन जी को वापस आना चाहिए, यदि आपको भी लगता है कि यह पूरा का पूरा किसान आंदोलन कांग्रेस की सोची समझी राजनीति और रणनीति है, तो इस वीडियो को जानकारी हेतु सब तक अवश्य पहुंचाइए, सब तक शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।